फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइस एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जो रेगुलर एग्जाम्स है गाइस वो 11th ऑफ अप्रैल से होने वाला है गाइस, ऐसा अपडेट आ रहा है। जैसे बोला जा रहा था गाइस कि 9 तारीख को इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तो वो मीटिंग आज हुई और उसके ऊपर से हमें अपडेट मिल रहा है कि जो एग्जाम है वो 11 अप्रैल से होने वाली है। इसके ऊपर गाइस जो डिटेल शेड्यूल रहेगा वो हमें 25 मार्च तक मिल जाएगा, ऐसे हमें नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस ये भी बोला जा रहा है कि जो एग्जाम है जो एसपीयू की सेल्फ ओन कंपनी है गाइस उसके ऊपर लिया जा सकता है, ऐसा कुछ हिंट्स हमें मिल रहे हैं। अब देखते हैं गाइस ऑफिशियल अपडेट अभी तक आने का है, तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा गाइस तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, कितने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉक्टर्ड मेथड वगैरह रहेगी क्या नहीं रहेगी, आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे कि हम जो एग्जाम है वो घर से दे पाएंगे या फिर हमें कॉलेज वगैरह जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो अप्रैल मंथ तक है और जो रिस्ट्रिक्शन है कॉलेज बंद के जो रिस्ट्रिक्शन है वो 14 तारीख की है, तो क्या वो डेट्स भी एक्सटेंड वगैरह होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे गाइस। बट एक अच्छी न्यूज आई है कि जो एग्जाम की डेट्स है गाइस अब वो फाइनलाइज हो चुके हैं, अब एक्सटेंड वगैरह नहीं होगा। नहीं तो पहले ऐसा हो रहा था कि 15 मार्च को एग्जाम होगी क्या, या फिर कब एग्जाम होगी, एग्जाम में डिले क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह, तो अब जो डेट्स है गाइस वो फाइनलाइज हो चुकी है। इसके ऊपर गाइस जो ऑफिशियल सर्कुलर है वो भी जल्दी आ जाएगा, उसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम इस डेट को होने वाली है। तो एग्जाम की जो डेट्स है वो तो कंफर्म है, ऑफिशियल अपडेट भी जल्दी आ जाएगा और कौन से सॉफ्टवेयर पे होने वाली है, कितने क्वेश्चन कितना टाइम हमें दिया जाएगा वो भी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आता है गाइस तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।